I'll go first. Panchuraksharam. Yes, please. हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं अकीलॉजी। दोस्तों, सुबह के इस समय 6:30 बज रहे हैं, 6:30 AM। तो दोस्तों, कल मैंने फिल्म देखी पंच अक्षरम, यानी कि 5 letters, 5 अक्षर। और पूरी फिल्म देखने के बाद मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि फिल्म की स्टोरी अच्छी थी। बस इस फिल्म का डायरेक्शन और इस फिल्म का म्यूज़िक, उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आया। लो क्वालिटी का BGM था, इस वजह से जो फिल्म की सीन्स की जो इंटेंसिटी थी वो फील नहीं हो पाई। मतलब टेंशन वाला माहौल है, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से वो टेंशन फील नहीं कर पा रहे थे। बाकी स्टोरी अच्छी थी कि एक किताब है जिसमें भूत भविष्य के बारे में आप जान सकते हैं अपने कर्मों के हिसाब से। तो ये 5 लड़के होते हैं, ये हारे हुए होते हैं और नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। गलती से वो किताब पढ़ते हैं और फिर जैसा वो पढ़ते हैं वैसे ही उनकी लाइफ में होने लग जाता है। अब एक लड़की इसमें से अलग हो जाती है इनसे, अब उसको ढूंढने के लिए फिर ये किताब की मदद लेते हैं। और क्या लड़की वो मिल पाती है इस किताब की मदद से, हाँ या ना, इसी के लिए आपको फिल्म देखनी है। उस पैशन को ढूंढ कर, पकड़ कर, ले जाकर पहुंचाना ही हमारा कर्तव्य है। इट्स रियली इंटरेस्टिंग, लेकिन इसे खेलने के लिए विश्वास करना पड़ता है, इससे कुछ भी होने का चांसेस है। तो फिल्म में सिर्फ म्यूजिक और बैकग्राउंड म्यूजिक, ये चीज इतनी पावरफुल होती है, अगर ये ठीक ना हो तो फिल्म का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। इस फिल्म में फाइटिंग सीन चल रहे हैं, हम सबको एक बात पे पूरी तरह से विश्वास करना है। इस फिल्म में फाइटिंग सीन चल रहे हैं, गुस्से में चल रहे हैं, लेकिन म्यूजिक इस तरीके से है जैसे टीवी सीरियल के टाइप के म्यूजिक है, तो वो फाइटिंग सीन फील ही नहीं हो रहा है कि हाँ इनको गुस्सा आ रहा है, मजाक में ऐसा लग रहा है कुछ। तो ओवरऑल अच्छी फिल्म है, लेकिन उतना मजा नहीं आया जितना आना चाहिए। हर एक चीज को हम फील नहीं कर पाए, या कह लो कि हम किसी भी कैरेक्टर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाए। तो दोस्तों, बस इतना ही कहना था फिल्म के बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम। जिंदगी में हर एक चीज का फैसला हम नहीं कर सकते, थोड़ा फ्री छोड़ कर देखो, वो खुद हमें रास्ता दिखाएगा।